सर स्क्रीन विजिबल है? मैं महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आज कक्षा 9वीं में हम गणित भाग दो में जो हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, उसमें आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 को देखेंगे हम। उसमें प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 6 क्वेश्चन है और 3 और 4 इस तरह से देखते हैं। ये बच्चों पिछली पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने इसको अध्ययन किया था, आज उसी पर आधारित सवालों को हल करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम पे जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि ये पूरा त्रिकोणमिति जो प्रकरण है, ये कुल ये तीन आपको इस समय कक्षा 9वीं में तीन त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं, साइन, कॉस और टैन। इन तीनों के ये कुल 5 जो कोण हैं उनके मान पर आधारित है। आप अगली कक्षा में जाओगे तो 3 और सीखेंगे। तो जैसे ये टेबल आपको पिछली बार बनाना भी सिखाया गया था, और ये टेबल अगर आपको आता है एग्जाम में, आपको इस टेबल को ध्यान में रखना है और इस टेबल से संबंधित सवाल किस प्रकार से आएगी और किस प्रकार से हल करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो आपको फिर से बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आता है वो थोड़ा सा ये 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेबल आपको मान सहित भी याद हो जाएगा और बनाने भी आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। अगर साइन 0 का मान पूछ रहा है तो हमको लिखना होगा 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। अगर पूछा है सवाल में साइन 30 डिग्री बराबर, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, साइन 30 डिग्री बराबर खाली स्थान, तो आपको सिर्फ लिख देना 1/2, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/2। उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री कितना होता है? करड़ी में 3/2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। कॉस को भी आपको ये सारणी पढ़ना, उच्चारण करना आता है, इसको पढ़ते हैं हम कॉस। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। इसी को उल्टा लिखा हुआ है, इस तरफ से देख सकते हैं, 1 यहाँ पर लिख दिया गया है, करड़ी में 3/2 यहाँ पर है, देखिए 1/2 करड़ी में 2 यहाँ पर है, फिर 1/2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो अगर साइन आपको याद हुआ तो कॉस तुरंत याद हो जाता है। उसी प्रकार से टैन बराबर सूत्र हम लोगों ने देखा था, टैन का सूत्र क्या था? साइन बटे कॉस। तो इस संख्या को इस संख्या से बटे कर देंगे, भाग देंगे, वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो टैन 45 अगर पूछा हो जाए, टैन 45 डिग्री कितना होता है? 1। उसमें दूसरा कोई भी मान नहीं लिखेंगे, अगर ये आप मार्क लिखते हैं तो पूरा मार्क मिलेगा आपको। उसी प्रकार से देखिए टैन 60 डिग्री कितना होगा? करड़ी में 3। और टैन 90 डिग्री अपरिभाषित, क्यों? क्योंकि जब 1/0 करेंगे और हर में अगर 0 आया तो वो संख्या अपरिभाषित, वो किसी से भी कटेगी नहीं, अनंत हो जाएगी। तो ये टेबल आपको, इस टेबल का उपयोग करके आज की जो जितनी भी सवाले हैं हम देखने वाले हैं। तो बच्चों ये टेबल ही, अगर ये टेबल नहीं याद है तो आप 1 लाइन भी आगे का नहीं लिख सकते या हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये टेबल को ध्यान में रखते हुए सवाल देखते हैं। 8.2 की देखिए पहली सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात करो, उसमें कुल 6 सवाल है। तो पहला है 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना होगा वो ज्ञात, यहाँ पर कितना साइन 30 का लिखना मान लिखना होगा और टेन 45 का मान लिखना होगा। टेन 45 में 3 से गुणा करके मान यहाँ पर लिखना होगा और साइन 30 में 5 से। तो पहले हम देख लेते हैं कि हल किस प्रकार से करना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है ये, देखिए चलिए हल करते हैं। तो इसमें हमको कौन कौन से मान ज्ञात करने याद रखने होंगे, एक तो साइन 30 दिख रहा है और यहाँ पे टेन 45 दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि साइन 30 कितना होता है? 1/2। और टेन 45 कितना होता है? 1। अभी आप लोगों ने सारणी में देखा था, ये लिख लेना है, ठीक है। ये कि इस सवाल के लिए जिन मानों की हमको आवश्यकता है उन मानों को एक तरफ लिख लेना है। पहले 5 का तो आपको पता है, 5 और 3 भी आपको पता है। पता क्या नहीं है, एक साइन 30 का मान और एक टेन 45 का मान, लेकिन हमको सारणी की मदद से साइन 30 पता है कि 1/2 होता है और टेन 45 कितना होता है? 1। तो अब यही साइन 30 जहां पर आया वहां पर कितना रख देंगे? 1/2।
और tan 45 जहां पर आया है वहां पर कितना रख देंगे, एक। तो चलिए इसी इसी सवाल में, इसी सवाल में इस मान को रखते हुए आगे करते हैं। देखिए ये सवाल लिख ली गई, अब ये यहाँ पर जो जो मान दिए त्रिकोणमिति मान है वो रखने वाले हैं हम। क्वेश्चन लिख लिया, अब देखिए ये 5 की जगह 5 लिखा गया, साइन 30 की जगह देखिए 1/2 लिख दिया गया, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, संख्या और अक्षर के बीच में कौन सा संबंध माना जाता है, गुणे का। इसलिए आप गुण, अगर यहाँ पर देखिए गुणे नहीं लगाया गया, लेकिन जब दोनों अंक आ गए हैं तो बीच में गुणे का निशान लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस को ऐसे उतार लिया गया, 3 है, 3 को ऐसे उतार लिया गया। अब देखिए tan 45 कितना होता है, tan 45 एक होता है, तो tan 45 के भी इधर 1 लिख दिया गया। अब 3 और tan 45 के बीच में कौन सा निशान हम मानेंगे, गुड़े का। तो 3 और 1 के बीच में हमने गुड़े लगा दिए, बस। अब कुछ नहीं, इसी को है, ये लाइन ही आपको लिखनी है, और उसके बाद आपको सभी को आता है मान ज्ञात करने, तो अब क्या आगे का हल करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे, तो 5 का 1 में कर देंगे, 5 एक कम 5, 5/2 हो जाएगा, और 3 एक कम क्या हो जाएगा, 3। अब आगे के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार से भी कोई भी गणित की उचित श्रृंखला जो होती है, कोई भी सही विधि से आप आगे की सवाल हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या किया यहाँ पर, 5 एक कम 5 और नीचे 2 था, 5/2, 3 एक कम 3। ठीक है, अब यहां से देखिए, जैसे यहां से भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहिए तो तिर्यक गुणा करके कर सकते हैं, या फिर जैसे कक्षा पिछली कक्षाओं में आप वो जो मिश्र धन वाला सवाल था, तो उसको ऐसे करते थे ना, इसको इसको गुणा कर लेते थे और इसको जोड़ लेते थे, तो 3 दुना 6 इसका गुणा कर लीजिए, और 6 5 11, 11/2 आ जाएगा। या फिर आपको तिर्यक गुणा करना आता है तो उस आगे के स्टेप पे किसी भी प्रकार से जो सही हो उस विधि से आप कर सकते हैं। उसमें से ही एक ये प्रकार है जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, क्या करते थे ऐसे सवालों में, या तो 1/2 करके हल कीजिए, 5 का 1 में गुणा कर दीजिए, 3 का 2 में कर दीजिए, और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, 3 दुना 6 6 5 11, 11/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 11/2। लास्ट में फिर से एक लाइन लिख देना, उत्तर बराबर 11/2, 5 sin 30 +3 tan 45 degree बराबर कितना आएगा आंसर, 11/2। यही है मान ज्ञात करने का। तो लास्ट में फिर से एक लाइन लिख के उसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देना। तो इस तरह से बच्चों ये पहली सवाल हुई, अब हम दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरी सवाल क्या है, 4/5 tan² 60 degree +3 sin² 60 degree। ठीक है, इसका उच्चारण देख लीजिए किस तरह से करते हैं, 10² 60 degree +3 sin² 60 degree। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। इसमें हमको 4/5 का मान तो मालूम ही है, 3 का मान मालूम है, क्या हमको त्रिकोणमिति के टेबल से ज्ञात क्या करना होगा, tan 60 का मान लिखना होगा, और किसका, sin 60 का। tan 60 और sin 60 ये दो मान आपको और टेबल से याद करके लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, जो सवाल है उसको लिख लिया गया। आपको पता है कि tan 60 कितना होता है, करडी में 3, टेबल में आप देख लेना, tan 60 कितना होता है, करडी में 3, और sin 60 कितना होता है, करडी में 3/2। अगर ये मान आपको पता है तो अब आगे की सवाल हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसलिए क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर ये 4/5 लिख दिया गया, tan 60 का मान कितना होता है, करडी में 3, तो देखिए करडी में 3 लगाए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, tan 60 की जगह करडी में 3 लिख दिया, लेकिन tan 60 नहीं है, tan square 60 है, मतलब जो मान है उसका वर्ग करना है। तो tan 60 कितना है, करडी में 3, तो सिर्फ करडी में 3 का वर्ग करेंगे, 4/5 का वर्ग नहीं है, इसलिए 4/5 को वो ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर आपको समझना होगा जब वर्ग है तो किस तरह से वर्ग लगाया गया, फिर प्लस प्लस 3 की जगह 3 रख दिया गया। अब देखिए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 आपको बताया कि करडी में 3/2, तो साइन 60 की जगह उसका मान रख दिया गया, करडी में 3/2, लेकिन यहाँ पर भी वर्ग है ना, इसलिए देखिए यहाँ पर वर्ग लगा दिया, घाते में 2 लगा दिया गया, बस। अब इसी को, यही लाइन थी मेन, अब इसके बाद जिसको जो जिस तरह से
गुणा भाग आता है वो अपना कर सकता है। अब क्या करेंगे, यह देखिए करड़ी में तीन और वर्ग करेंगे तो करड़ी में तीन का वर्ग, करड़ी में तीन का वर्ग करेंगे तो करड़ी और वर्ग दोनों खत्म हो जाएगा, कितना होगा तीन बचेगा। या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करड़ी में तीन का वर्ग मतलब करड़ी में नौ, और करड़ी में नौ का मतलब होता है तीन। आप जिस विधि से समझना चाहिए समझ सकते हैं। उसी प्रकार से करड़ी में तीन का वर्ग करेंगे तो तीन आ जाएगा, और दो का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा चार। तो चलिए अब वर्ग कर लेते हैं, जो ब्रैकेट वाली संख्या है उनका वर्ग कर लेते हैं। याद रखना ये करणी में तीन और वर्ग करेंगे इसका तो कितना आएगा तीन, सिर्फ तीन आएगा, करणी भी हट जाएगा। और यहां पर करेंगे तो वापस से करणी में तीन का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा तीन, और दो का वर्ग, यहाँ पे दो करणी नहीं लगा है ना, अगर करणी में करणी लगा होता यहाँ पर भी तो दो आता, लेकिन यहाँ पर करणी नहीं लगा तो दो का वर्ग करना होगा, दो का वर्ग कितना हो जाएगा चार। तो बस अब लिखते हैं, देखिए ये चार बटे पांच को चार बटे पांच लिखा, गुड़े करणी में तीन का वर्ग कितना हो जाएगा तीन। देखिए यहाँ पर हाँ प्लस की जगह प्लस लगा दिया गया, तीन की जगह तीन लिख दिया गया। अब देखिए करणी में तीन का वर्ग कितना होता है तीन, और दो का वर्ग कितना होता है चार, दो का वर्ग चार लिख दिया गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, फिर से वही ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो ये चार तिया कितना हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर गुणा कर ले, चार तिया बारह, बारह बटे पांच हो जाएगा, और इसका कर लेंगे इसमें तीन त्रिक का नौ, नौ बटे चार। तो वैसे कर लेते हैं इसको, देखिए बारह बटे पांच, प्लस की जगह प्लस लगा दिया गया, ऊपर का गुड़ा ऊपर, तीन त्रिक का नौ। देखिए बीच में गुड़ा हो तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुड़ा किया जाए, अंश का अंश में हर का हर में करते हैं, लेकिन अगर बीच में धन का निशान हो तब तिर्यक गुड़ा कर किया जाता है, या फिर लसाई महासाई विधि से हल कर सकते हैं उसको। अब देखिए अब यहाँ पर बारह बटे पांच है, बीच में प्लस का निशान आ गया, अगर बीच में गुड़े का निशान होता तो 12 का 9 में गुणा करते और 5 का 4 में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धन है, धन हो ऋण हो तब हमको तिर्यक गुणा करना होता है। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 का 4 में गुणा करेंगे 12 चौक 48, और 9 का 5 में करेंगे 9 पच्चे 45, 48 धन 45, और फिर नीचे का नीचे भी गुणा करना होता ना, 5 चौक 20। तो चलिए वो लिख देते हैं, देखिए 48 धन 45 बटे 20, 48 और 45 जोड़ लीजिए कितना आएगा 93। जोड़ने पर 48 और 45 जोड़ के देख लीजिए आपको जो आया आंसर 48 93 बटे 20। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी सवाल भी हो गई, 4 बटे 5 टैन स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 का मान कितना आएगा 93 बटे 20, 93/20। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर खाली यही समझना था, करणी में तीन का वर्ग कितना होता है तीन, यहाँ पर भी वही करणी में तीन का वर्ग तीन लिखा गया, बाकी आसान है गुणा भाग एकदम। चलिए तीसरी सवाल देख लेते हैं हम, 2 sin 30 प्लस cos 0° प्लस 3 sin 90°। तो इसमें तीन मान है, तीन मान हमको त्रिकोणमिति के तीन मान दिए गए, तीनों सारणी से हम लिख सकते हैं। हाँ इसमें कौन कौन से मान है देखिए, पहला साइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, फिर कॉस जीरो दिख रहा है, साइन 30°, कॉस 0° और साइन 90°। तो इन तीनों के मान हमको लिख लेने हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पर है वो मान रखकर देखने हैं क्या मान आता है इसका। देखिए हल में साइन 30 आपको पता है टेबल से 1/2, कॉस 0 कितना होता है 1, वो भी सारणी से आप देख सकते हैं टेबल में लिखा होगा, और साइन 90 कितना होता है 1। ये तीनों मान साइड में रख दिए हमने पता कि हाँ अब ये मान हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो चलिए मान रख के देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए ये सवाल को लिख लिया गया, अब ये जो मान है हमको सारणी से वो मान उसकी जगह पर प्रतिस्थापित करके देखते हैं। तो देखिए 2 की जगह 2 लिखा गया, साइन 30 कितना है बच्चों 1/2, तो या तो गुड़े का निशान लगाओ या ब्रैकेट लगा दो, 1/2 लिख दिया गया, धन की जगह धन लगा दिया गया, कॉस 0 देखिए कॉस 0 कितना है 1, तो कॉस 0 की नीचे जगह पर 1 लिख दिया गया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, 3 की जगह 3 रख दिया गया, साइन 90° देखिए कितना है 1, तो साइन 90 की जगह 1 लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, ये मान प्रतिस्थापित करना आना चाहिए, इस पे एक मार्क, इस पे एक मार्क आपको मिल जाएगा। तो अब बीच में गुड़ा है, आपको पता है कि बीच में गुड़े का निशान हो तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कर सकते हैं, या देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये अगर 2
ऊपर का करेंगे तो 2 1 2 / 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, कट जाएगा। हाँ तो यहां पर हम काट देंगे, 2 से 2 को अगर काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 + यहां पर 1, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 = 3। तो यहां पर देखिए 2 से ये 2 कट जाने वाला है, ठीक है, तो 2 से ये 2 काट देंगे तो कितना आएगा, 1। चलो चलिए आगे की लाइन लिख देते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस लिख दिया गया, 1 की जगह वापस 1 लिख दिया गया, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 = 3। अब ये जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 और 1 5, तो इस तरह से उत्तर कितना हो जाएगा इस सवाल का, 5। देखिए 5 आ गया, ठीक है। तो अब अगली सवाल की तरफ देख चलते हैं। चौथी सवाल देखिए, टेन 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो इसको हल करके देखते हैं हम, इसमें भी किसका किसका मान हमको ज्ञात होना चाहिए, एक तो टेन 60 का मान ज्ञात होना चाहिए, दूसरा साइन 60 का और कॉस 60 का। तो आपको पता है कि सारणी से मान आपको याद रखना है। चलिए देखिए, टेन 60 कितना होता है, कर्डी में 3, साइन 60 कितना होगा, कर्डी में 3/2, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ये मान कहाँ से हम ले रहे हैं, ये मान त्रिकोणमिति की जो सारणी बनी हुई है वहां से लिख रहे हैं, ठीक है, और ये मान बदलना नहीं है। अब चलिए इसमें जो जहां पर दिया वहां पर रख कर देखते हैं कैसे आएगा। देखिए टेन 60, ये सवाल लिख लिया गया, टेन 60 / साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो चलिए टेन 60 की जगह कर्डी में 3 लगा देते हैं, मान रख के देखते हैं। देखिए ये देखिए, टेन 60 की जगह कर्डी में 3 रख दिया गया, ये बड़ा वाला बट्टे देख रहे हैं आप, बड़ा वाला बट्टे लगा दिया गया। साइन 60 कितना है, साइन 60 कर्डी में 3/2 है, तो देखिए यहाँ पर कर्डी में 3/2 लिख दिया गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया गया। कॉस 60 कितना है, 1/2, तो उसकी जगह 1/2। अब देखिए, अरे बाप रे, 1/2 यहाँ पर कई कितना सारा बट्टे दिख रहा है, तो ये थोड़े सा ये परेशानी आ जाती है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हल करते हैं हम लोग। पहले तो कैसे कर लेंगे, इसको ऊपर का ऊपर ही गुणा कर ले। देखिए कर्डी में 3, और ये जो नीचे ये बड़े वाला बट्टी लगा दिया गया। अब यहाँ पर ये दोनों के हर समान है, आपको पता है कि हर अगर समान हो तो एक बार लिख के अगर बीच में प्लस है तो ऊपर की संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, और माइनस है तो घटा दी जाती है। जब हर असमान हो तब तिरेक गुणा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों समान है तो एक बार 2 लिखने का और ऊपर का जो भी संख्या है उसको जोड़ देने का। कर्डी में तीन प्लस है तो प्लस लगा दिए, और प्लस है। देखिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब चलिए आगे इसको हल करके देखते हैं। अगले यहाँ पर देखिए, अब ये कर्डी में 3 की जगह कर्डी में 3 लिखेंगे, ये बटे का जो निशान है उसका मतलब भागे होता है ना, तो चलिए वैसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कर्डी में 3 की जगह कर्डी में 3 लिखा, ये बड़े बड़े बटे का मतलब होता है भागे, तो उसको भागे लिखा, और जो नीचे की संख्या है उसको वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। बटे का मतलब भी भाग्य होता है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कर्डी में 3 की जगह कर्डी में 3 लिख दिया, जब भागे को हम गुणे करते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है, और ये भी परस्थानुपात हो जाता है इसमें। तो ये नीचे कितना था, 2, तो ये ऊपर चला गया, और कर्डी में 2 + 1 नीचे आ गया। देखिए क्या चेंजेस किया गया, जब भागे को हमने गुणे कर दिया तो उसके आगे की जो संख्या थी वो पलट जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है और नीचे ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब बीच में गुणा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते हैं, नीचे का नीचे। तो कर्णी में 2 का गुणा 3 में, कर्णी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कर्णी में 3। इसके साथ नहीं गुणा होगा, याद रखिए, सजातीय पक्षों पद सजातीय अगर होंगे तो संख्याओं में ही गुणा भाग होता है। तो ये कर्णी है, यहाँ पे कर्णी नहीं है, तो ये दोनों आपस में नहीं, ऐसा कर्णी में 6 मत लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। 2 बाहर रहेगा और ये कर्णी में 3 अपना अलग हो जाएगा, तो 2 कर्णी में 3, और जो नीचे था उसको वैसे का वैसे लिख दिया गया। खाली ये देखिए, यहाँ पर यही आपको समझना है, यही आंसर है इसका, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा, बस इतने ही छोड़ देना है आपको। तो कर्णी में 3 ये जो बट्टे था बड़े वाला, कई सारा बट्टे था ना, हमको नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए क्या करेंगे, ये बट्टे को भागे निशान लगा दिए और नीचे वाले को वैसे का वैसे लिख लिए। अब क्या किए, भाग को जब गुणा किए तो ऊपर का संख्या उल्टी हो, आगे की संख्या पलट गई, ये देखिए पलट के लिख दिया गया, और बाकी सामने सामने गुणा करके जैसे गुणा किया सवाल हल हो गया।
इस तरह से चौथी सवाल हुई। चलिए पांचवी देख लेते हैं। पांचवी सवाल है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी cos 45 और साइन 30 का मान हमको पता होना चाहिए। चलिए तो देखिए, cos 45 होता है 1/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। ये हर सवाल में बच्चों, अगर जिसको सारणी में मान याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज इस ऑनलाइन लेक्चर के शुरुआत में हमने सबसे पहले सारणी देखी, ठीक है। तो ये देखिए, cos 45 डिग्री बराबर 1/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। चलिए मान रख देते हैं उसकी जगह। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर जो है तो वो cos, ये जो उसके आगे मान लिखेंगे उसका वर्क कर देंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लिया गया, अब cos 45 का जो होगा उसका मान रखकर उसका घाते 2 कर देंगे, क्योंकि सवाल में घाते 2 दिया है। तो ये देखिए cos 45 1/2, तो देखिए cos 45 की जगह 1/2 लिखा, लेकिन यहाँ घाते 2 है तो घाते 2 लगा दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। साइन 30 का मान 1/2 है तो 1/2 लिखा, लेकिन उसका भी वर्ग है ना, वर्ग है तो उसका भी वर्ग लगा दिया बस। अब चलिए घाते इन सभी संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं। एक का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। करडी में 2 का वर्ग, देखिए वापस करडी है और वर्ग है, हाँ, तो करडी और वर्ग दोनों हट जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 आएगा, 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे हम तो एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है। यहाँ पर करडी में 2 का वर्ग कितना होगा 2, लेकिन 2 का वर्ग 4 होगा, ये आपको पता है। देखिए 1/2 प्लस की जगह प्लस 1/4, इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया। अब आप फिर से फ्री हो, चाहिए तो तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। तो 4 का 1 में 1 चौके 4 और 1 × 2 तो 4 तिर्यक गुणा कर लिए थे हम यहाँ पर। 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 1 = 2। देखिए ये देखिए ये यहाँ पर 4 × 2, या तो इसका लसा भी ले लिया है, कैसे तिर्यक गुणा अगर हम लोग करेंगे और यहाँ पर लसा भी ले लेते हैं, दो विधि दोनों देख लेते हैं हम। पहले तो देखिए यहाँ पर 4 करने के लिए, अगर आपको समझ में आता है, 4 करने के लिए अगर 4 होता, अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हर समान होंगे तो ऊपर का ऊपर जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर 4 करने के लिए लसा भी जो ले लिया था, 4 यहाँ पर 2 में कितने से गुणा किया जाए कि 4 हो जाए 2 से, तो 2 × 2 = 4 हो जाता, लेकिन ऊपर वाली संख्या में भी 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ये दोनों का लसा भी कितना था 4, तो 2 और 1 कितना, 2 और 1 = 3, 3/4 हो जाएगा। अब हम इसी को तिर्यक गुणा भी करके देख लेते हैं। तो देखते हैं पहले इसको देख लेते हैं कितना आता है इसका आंसर। इसको हटा देते हैं पहले, 2 और 1 = 3 जोड़ दीजिए, 3/4। अब तिर्यक गुणा करके देख करते तो भी आपको वही आता। मान लीजिए यहाँ से आप तिर्यक गुणा करते हैं इसका, तो 1 का 4 में करेंगे 4 प्लस 1 का 2 में करेंगे कितना होगा 2, और फिर नीचे की संख्याओं का नीचे भी गुणा करना होता है। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 4 × 2 = 8। अब 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 = 6 और 1/2 नीचे में कितना दिया 8। तो अब इस 2 से कटने लायक है, 2 के 2, 2 × 4 2 × 3 = 6 और 2 से 2 = 8 कितना बचेगा 3/4। ये देखिए 3/4, तो चाहिए आपको ये विधि से भी। इसलिए और सब हम लोगों ने पिछले में तिर्यक देखा था, यहाँ पर लसावी वाली विधि से दिखाया गया, तो दोनों में से जो विधि आपको सही लगे या आसान लगे उस विधि से कर सकते हैं। तो इसका मान आया है 3/4। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 की आखिरी सवाल है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 6 सवाल थी। तो देखिए ये दिया है cos 60 गुड़े cos 30 प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो पहले जो जो दिया है उन सब के मान पहले लिख लेते हैं हम। देखिए cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 डिग्री कितना होता है करडी में 3/2, sin 60 डिग्री कितना होता है करडी में 3/2 और sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो अब इस सवाल में उसकी जगह पर ये मान हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए
सवाल लिख लिया गया। अब देखिए कॉस 60 एक बटे दो, तो एक बटे दो उसकी जगह लिख दिया गया, गुड़े की जगह गुड़े लिख दिया गया। कॉस 30 कितना है, देखिए करडी में तीन बटे दो, तो वहां पर करडी में तीन बटे दो लिख दिया गया, प्लस की जगह प्लस यहाँ पर देख रहे हैं आप। साइन 60 कितना है, करडी में तीन बटे दो, तो यहाँ पर हमने करडी में तीन बटे दो लिख दिया गया, गुड़े का निशान, तो यहाँ पर गुड़े का निशान लगा दिया गया। साइन 30 डिग्री कितना है, एक बटे दो, तो ये उसकी जगह एक बटे दो, तो ये जो मान है वहां पर ये मान हमने रख दिया। अब आगे हल करते हैं। देखिए बीच में गुड़ा है, बीच में गुड़ा होगा तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुड़ा होता है, तो एक का करडी में तीन में गुड़ा होगा तो कितना होगा, करडी में तीन, और दो का दो में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चार। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वापस करेंगे, करणी में तीन एक कम, करणी में तीन, और दो का दो में गुणा करेंगे तो चार। चलिए लिख लेते हैं, देखिए ऊपर का ऊपर क्योंकि बीच में गुणे था तो इन दोनों का गुणा करके ये मान आया, बीच में प्लस था उसको ऐसे लिखा, अब इन दोनों के बीच में गुणा है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यहाँ पर देखिए हर समान है, देख रहे हैं चार और चार है, तो यहाँ पर तिरेक गुणा मत कीजिएगा। जब हर समान है तो ऊपर का ऊपर अगर बीच में धन है तो जोड़ दिया जाता है, और बीच में अगर रीड का निशान है तो घटा दिया जाता है, तो धन है तो करडी में तीन प्लस करडी में तीन लिख देंगे, और दो बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। हाँ तिरेक गुणा मत करते बैठिए, देखिए करडी में तीन प्लस करडी में तीन, और सबके बटे में एक बार ही खाली चार लिख देना, तो करडी में तीन करडी में तीन। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि करडी में तीन प्लस करडी में तीन करडी में छह होगा, तो आप यहीं से गलत हो जाएंगे। इनके जो जुड़ता घटता है उनके आगे के नंबर, उनके आगे के गुणांक जुड़ते घटते हैं, मतलब करणी में तीन के आगे कितनी संख्या, एक, और करणी में इस तीन के आगे कितना कुछ नहीं तो एक माना जाता है, इनके आगे के नंबर जुड़ते घटते हैं, तो यहाँ का एक और यहाँ का एक मिलके हो जाएगा दो करणी में तीन। हाँ तो ये अगर करणी में छह लिख दिया आप तो इसके आगे गलत हो जाएंगे, करणी में तीन, और करणी में तीन कितनी बार करणी में तीन, दो बार करणी में तीन, तो दो करडी में तीन बटे चार, ये देखिए दो करडी में तीन, यहाँ पर अक्सर ये गलत किया जाता है, करडी में तीन करडी में तीन करडी में छह लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, करडी में तीन कितनी बार है, दो बार करडी में तीन बटे चार। अब ये दो से हम ये चार को काट सकते हैं, दो एक कम दो, दो दुना चार कितना आ जाएगा, एक बटे दो, तो करडी में तीन बटे नीचे कितना हो जाएगा, दो, दो से काट दिया गया, देखिए दो से काट दिया गया, तो दो से दो ये चार को काट देगा, करडी में तीन बटे दो। तो ये सवाल अक्सर यहाँ तक तो सब सही कर लेते हैं, खाली यही गलत हो जाता है, तो उसके बाद पूरी सवाल गलत हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर टू के छह सवाल हमने देखी, अब क्वेश्चन नंबर चार, तीन और चार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, यदि साइन थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं ठीक है, ये त्रिकोणमिति एंगल कोणों के नाम है, थीटा बीटा अल्फा गामा, तो यदि साइन थीटा बराबर चार बटे पांच तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको इसको हल करने के लिए जो हमने पिछले बार जो सूत्र देखा था, एक सूत्र देखा था ना, साइन और कॉस से संबंधित एक सूत्र था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वन। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कक्षा दसवीं के भी, उससे आपके ये सब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसी का उपयोग करके साइन का मान दिया चार बटे पांच, कॉस का मान कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने के लिए आप तो या तो सूत्र से हल कर सकते हैं या तो इसमें समकोण त्रिभुज बना के हल कर सकते हैं, दोनों विधि है, दोनों में से जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए पहले लिख लिया गया साइन थीटा बराबर चार बटे पांच, अब हमको सूत्र पता है, कौन सा सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ये सूत्र आपको कल ही पता होगा तो आपका चार तीन चार लाइन में आंसर आ जाएगा, नहीं तो अगर पाइथागोरस का वो लगाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी होगी, वो भी आसान है। तो साइन थीटा की जगह चार बटे पांच लिख देते हैं, ये साइन थीटा जो है इसके जगह मान रख देते हैं हम, देखिए साइन थीटा की जगह चार बटे पांच, लेकिन वर्ग है ना तो वर्ग लगा दिया, प्लस कॉस का मान हमको नहीं मालूम है वही ज्ञात करना है, तो उसकी जगह वही लिख दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो अब इसका वर्ग कर दीजिए, चार का वर्ग कितना होगा, चार चौक सोलह, और पांच का वर्ग कितना होता है, पच्चीस, सोलह बटे पच्चीस, देखिए सोलह बटे पच्चीस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, बाकी सब पक्षांतर करके जाते हैं, तो सोलह बटे पच्चीस इस तरफ आएगा तो माइनस सोलह बटे पच्चीस, देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा गया, बराबर की जगह बराबर, एक की जगह एक, ये 16/25 प्लस था, इस तरफ आएगा तो -16/25। संख्या एक तरफ, अक्षर एक तरफ कर लिया हम लोगों ने। अब वापस यहाँ पर फिर से वही है कि आपको तिरे गुड़ा करके हल करना है या फिर लसा भी लेके, जैसे आपको सही लगे। तो 25 से कम, 25 माइनस 16, तिरे गुड़ा कर लेते हैं हम। चलिए इसको हटा लेते हैं। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25/16, 25 -16/25, तिरे गुड़ा किया गया यहाँ पर। 25 में से 16 घटा गया, 9/25, 25 में से 16 घटा देंगे कितना आएगा, 9/2। ये देखिए, लेकिन हमको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया 9/25, हमको कॉस का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको पता है कि अभी हम लोगों ने देखा था करणी और वर्ग रहेगा तो हट जाता है, करणी मतलब वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने से क्या होगा कि कॉस स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो वर्गमूल ले लिए कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर की जगह बराबर, 9 का वर्गमूल बच्चों 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो कॉस थीटा आ गया 3/5। इस तरह से वर्गमूल लेने पर कॉस थीटा का मान आ गया 3/5। यहाँ पर खाली मान रखना आपको आना चाहिए। ठीक इसी का उल्टा चौथी सवाल है, चलिए उसको भी इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं इस प्रकरण की। यहाँ पर दिया कॉस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। चलिए हमको सूत्र जो है हल कर लेते हैं। आपको दिया है कॉस बराबर 15/17 और सूत्र पता है फिर से वही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब कॉस की जगह 15/17 रख देते हैं। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रखा गया, प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 15/17, लेकिन स्क्वायर है तो 15/17 का स्क्वायर कर दिया बराबर 1। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा वैसे रखेंगे, 15 का वर्ग आपको पता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 17 का वर्ग 289, 289, ये याद होना चाहिए, ये नहीं याद होता तो गुणा करके लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे वर्ग कर दिया गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखते हैं, बाकी सब इस तरफ लेके जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे रखा गया, बराबर की जगह बराबर, एक पहले से इस तरफ था तो एक का एक वैसे रहेगा, ये 225/289 प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। देखिए अब फिर से आप तिरे गुणा करके हल कर सकते हैं इसको, जैसे हमने अभी देखा था। तो 289 का एक में गुणा करेंगे तो 289 एकदम 289, तो और 225 एकदम 225, तो 289 में से 225 घटा देंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे लिखा गया, बराबर की जगह बराबर, 289 माइनस की जगह माइनस, 225 से कम 225, यहाँ पर तिरे गुणा किया गया और बटे में 289 है कम 289। अब 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 64, घटा के देखिएगा सही आना चाहिए 64 और बटे में कितना है 289। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 64/289, ये 64/289 साइन स्क्वायर थीटा का माना है, हमको साइन थीटा चाहिए। तो ये वर्ग हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल जैसे लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 हटाएं 64 होता है कि नहीं 8, और 289 का कितना होता है 17। तो इस तरह से बच्चों हो जाएगा 8/17 साइन थीटा बराबर 8/17। तो ये खाली आपको अगर ये सूत्र अगर पता है उसके नीचे हम मान रखना, और थोड़ी सी मूलभूत क्रिया जो गणित की मूलभूत, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये अगर आपको आता है तो ये 3 नंबर की सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब किसी बच्चों को अगर कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। Thank you.
क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के प्रकरणों प्रश्नों को हल करना सीखा। थैंक यू सर।